हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गज़ाला फेम। आज के इस वीडियो में हम शर्ट की स्टिचिंग सीखेंगे। उसके लिए मैंने ये स्लीव्स ली है और इसका जो ये वाला हिस्सा है इसे हम यहाँ पर बारीक सिलाई लगा लेंगे। और जो ये दूसरा हिस्सा है वहाँ पर हम पट्टी अटैच करेंगे। उल्टी साइड पर ही हमें उल्टी पट्टी रखकर यहाँ तक सिलाई लगा देना है। और जहाँ हमने सिलाई ख़त्म की है वहाँ पर हमें एक कट लगा देना है। यहाँ से पट्टी को छाट लेना है। अब इसे सीधे हिस्से पर करके इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देना है। एक इंच तक सिलाई चलाते हुए इसे यहाँ पर पक्का कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा देना है यहाँ तक। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेना है। यहाँ पर पहले हम बारीक फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से रखकर यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर कट लगाकर इसे सीधे साइड पर पलट देंगे। और इसे भी हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो हमारे कफ है जो स्लीव में अटैच होंगे उसे इस तरीके से आधा इंच नीचे कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर कट लगा लेंगे और इसे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे।
अब इसे हम सीधा कर लेंगे। इसके अच्छे तरीके से नोक निकालते हुए इसे सीधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब जो हमने कफ तैयार किया है उसे स्लीव्स की उल्टी साइड पर रखकर सिलाई लगा देना है। अब इसे इस तरीके से सीधी साइड पर जमा कर सिलाई लगा देना है। अब इसके चारों तरफ हमें एक और सिलाई लगा देना है। इसी तरीके से हमें दूसरे स्लीव्स भी तैयार कर लेना है। स्लीव्स के उल्टे हिस्से पर कफ को रखकर वहाँ पर सिलाई लगा देना है और उसे सीधे हिस्से पर पलट देना है। ये जो शर्ट के एक हिस्से पर हमने कैनवास की पट्टी प्रेस से चिपकाई थी उस पर हमें दोनों साइड पर यहाँ पर सिलाई लगा देना है। ये हमारे शर्ट का लेफ्ट साइड है जहाँ पर हमने पट्टी अटैच की है, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये बिना कैनवास के ही ये पट्टी फोल्ड होगी जो हमारी राइट साइड का हिस्सा है। ये जो हमारा कट है यहाँ तक हमें इस पट्टी को फोल्ड कर लेना है। इस वाले पार्ट पर हमें उस पार्ट से थोड़ी सी कम सिलाई लगाना है। अब इन दोनों पार्ट को मैंने एक के ऊपर एक जमा लिया है। यहाँ पर हमें 2.25 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर 2.5 इंच पर इन दोनों निशान को गोलाई देकर मिला देना है और इसे कट कर लेना है। ये जो शर्ट का हमारा पीछे का हिस्सा है यहाँ पर हमें बीच सेंटर में कट लगा लेना है, और यहाँ पर लगाने के लिए हमने जो तीरा कट किया था उसे यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर देना है इस तरीके से। अब ये जो हमारे शर्ट के दोनों आगे के पार्ट है उसे इस तरीके से रखकर शोल्डर पर सिलाई लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देना है। अब शर्ट का जो पीछे वाला हिस्सा है सिलाई का उसका एक हिस्सा पीछे का उठाकर हमें उसकी कटिंग कर लेना है। सिर्फ पीछे का भाग ही हमें छाटना है। आगे वाले कपड़े को इस तरीके से इस पर फोल्ड करके इसके ऊपर एक बारीक सिलाई लगा देना है इस तरीके से। अब इसे सीधा करके कपड़े को पीछे की साइड पे करके यहाँ पर सिलाई लगा देना है शोल्डर पर। इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारे शोल्डर के उल्टे हिस्से पर भी फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए अभी हमारे कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा है इसके हमें तीनों साइड पर सिलाई लगा देना है नीचे का हिस्सा छोड़ते हुए। ये देखिए यहाँ पर तीनों हिस्से पर हमने सिलाई लगा दी है और ये ऊपर की साइड पर हमें कट दे देना है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा खुला हुआ है। इन दोनों कोनों पर कट लगाते हुए हमें इसे सीधा कर लेना है और इसे कैंची की सहायता से इसकी नोक निकाल देना है।
अब इसे अच्छी तरीके से जमाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा देना है एक दगिये की, और ये जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है इसे भी यहाँ पर सिलाई लगा के अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने चारों तरफ कॉलर की सिलाई लगा दी है। अब इसका सेंटर करके यहाँ पर कट लगा देना है। अब ये जो हमारी नीचे की कॉलर है जो हमारी शर्ट पर अटैच होगी उसके भी सेंटर को मिला के यहाँ पर कट लगा देना है। अब इस कट को कट से मिला देना है और फिनिशिंग वाला हिस्सा हमें कॉलर पर रखना है। कॉलर के इस वाले हिस्से से हमें सिलाई चालू करना है, कट से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये इस तरीके से पट्टी लेना है, कॉलर को इस पे रख के यहाँ से सिलाई चालू करके यहाँ पर ख़त्म करना है। सिलाई हमारी कैनवास पर नहीं आना चाहिए, कैनवास के साइड पे लगाना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर देना है। अब यहाँ दोनों कोने पर हमें कट लगा लेना है और यहाँ भी सारी तरफ हमें कट लगा लेना है इस तरीके से। अब इसे सीधा कर लेना है। अब हमें इसे प्रेस करके अच्छी तरीके से जमा लेना है। ये देखिए मैंने इसको प्रेस करके जमा लिया है। अब यहाँ पर हमें आधा आधा इंच जितना कपड़ा रखकर इसकी कटिंग कर लेना है। इस कॉलर का सेंटर निकालते हुए सेंटर पर हमें यहाँ पर कट लगा लेना है। पहले हमें शर्ट से कॉलर को नाप लेना है कि ये बराबर आ रही है या नहीं। शर्ट के सीधे वाले हिस्से पर हमें कॉलर को अटैच करना है। पहले हम इसे इस तरीके से नाप लेंगे कि फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारा फिक्स आ रहा है। अब हमें सीधे वाले हिस्से पर कॉलर को रखकर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। अब इसे हमें उल्टे साइड पर इस तरीके से लाकर यहाँ पर सिलाई लगा देना है। ये नीचे की साइड पर हमने सिलाई लगा दी है, यहाँ ऊपर की साइड पर भी हमें सिलाई लगा देना है। देखिए हमारी कॉलर अटैच हो गई है। अब ये जो हमारा स्लीव्स का हिस्सा है आर्म होल का, इसे इस तरीके से मिला के इसके सेंटर में यहाँ पर एक कट लगा देना है। अब इस दूसरे वाले हिस्से पर भी हमें यहाँ पर कट लगा देना है। अब ये जो हमारी तैयार की हुई स्लीव्स है इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से बारीक फोल्ड कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर सेंटर में हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। और ये जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है यहाँ पर भी निशान लगा देना है। इसके भी यहाँ पर हमें इस तरीके से दोनों पर निशान लगा देना है, सेंटर में और फ्रंट के हिस्से पर। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, इस पर भी निशान वाला हिस्सा हमारा अटैच होगा। ये जो हमारा सेंटर का कट है इस पर स्लीव्स का जो निशान है ये मिलाते हुए इस तरीके से मिलाकर यहाँ से यहाँ तक यहाँ से स्लीव्स अटैच करना है हमें। अब ये जो हमारा पीछे सिलाई का कपड़ा है इसे शर्ट के हिस्से पर लाते हुए इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई दे देना है यहाँ पर।
इसी तरीके से हमें दूसरी भी स्लीव्स तैयार करना है, कट से निशान मिलाते हुए। इस हिस्से को हमें इस तरीके से ले जाकर यहाँ से सिलाई हमें चालू करना है, या पूरे में हमें सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई लगा दी है। अब इसे यहाँ पर हमें पीछे के हिस्से को शर्ट पे लाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। यहाँ पर हमें फिटिंग का निशान लगाना है। आप चाहे तो शर्ट पे शर्ट रख कर भी फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब इन दोनों हिस्से को इस तरीके से मिलाते हुए नीचे हमें देखना है, ये हमारा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। नीचे का हिस्सा ये हमारा बराबर ही है। अब इसे पहले हमें एक बार फोल्ड करना है, पूरे में सिलाई लगा देना है। उसके बाद एक और बार हमें फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।